देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबर दिल्ली से है। चांदनी चौक लोकसभा सीट से अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से विनोद गुप्ता चांदनी चौक प्रत्याशी द्वारा आदर्श नगर विधानसभा में बैठक की गई। विनोद कुमार का कहना है, कर्ज मुक्ति अभियान द्वारा गरीब लोगों को बैंक द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सरकार गरीबों के लिए नहीं पूंजीपतियों वालों के लिए है। लाखों करोड़ों रुपए का लोन माफ कर दिया गया, लेकिन गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। अगर चांदनी चौक लोकसभा से आप मुझे पसंद करते हैं और मुझे सांसद बनाते हैं तो हर आदमी का कर्ज माफ किया जाएगा और ये मैं लिखित में देता हूँ। गरीबों का मसीहा बन करके मैं काम करूँगा। विनोद गुप्ता आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। नेशन हो, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, उसको जरूर पढ़िएगा। सदाशिव राम गोलवरकर जी की है, उन्होंने फ्रंट टाइटल पेज के ऊपर क्या लिखा है उस बुक के अंदर कि अगर देश पर लंबे समय तक राज करना है तो जितनी प्राकृतिक संपदा है, संसाधन है, माइंस है, कोल है, पेट्रोलियम है, वो सब चंद पूंजीपति मित्रों को दे दो। ये स्पष्ट वही लाइन बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा ही है राजीव जी। और देश की जनता को भूखा नंगा बना दो। सालों सालों तो छोड़ो, जन्मों जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। आपने देखा 2016 में नोटबंदी की गई, व्यक्ति किसी तरह अपने को उबार पाता वहां से। उसके बाद जीएसटी का इतना पेचीदा कानून आया, या कुछ व्यक्ति होंगे जो व्यापार भी करते होंगे, कितने व्यक्ति हैं यहाँ से, जीएसटी के बाद आपके व्यापार पे फर्क पड़ा। 100 बार जीएसटी के कानून को चेंज किया गया। एक छोटा मझोला व्यक्ति, कितने आदमी लेते हैं आपसे जीएसटी पे माल, कोई नहीं लेता ना। काम धंधा कितना परसेंट रहे, किसी भी बाजार में चले जाओ, रिटेल हो या होलसेल हो, व्यापार 10% भी नहीं है। और जो रही सही कसर की, कोई भी व्यक्ति अगर आके रात को ये बोलता है 12 बजे के बाद पूरा देश बंद, तो लॉकडाउन के बाद रही सही कसर वो भी पूरी होती है। कोई सोची, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, राजीव सिंह कुशवाहा जी ने बताया आपको, कि बिल्कुल ये सोची समझी प्लानिंग के तहत है। और कर्जा एक ऐसी बीमारी है कि आदमी किसी को बोल भी नहीं सकता है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। अगर अपने किसी रिश्तेदार को बोलेगा ना, आप कभी भी अजमा लेना, सबसे पहले अपने ही कंधी काट लेंगे, कभी हमसे पैसा ना मांगे। वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, पीड़ा में परेशान है। और उसका क्या इफेक्ट आ रहा है आपको पता है, फैमिली रिलेशंस खराब हो रहे हैं। सबसे पहले हस्बैंड ने कितना कर्जा लिया है वो अपनी वाइफ को नहीं बता रहा है। अगर वाइफ ने भी समूह लोन ले रखा है, जैसे आजकल जो बैंक्स दे रहे हैं महिलाओं को, ग्रुप लोन बोलते हैं हिंदी में, अगर बोलते हैं तो समूह लोन है, तो महिलाओं के साथ व्यभिचार भी हो रहा है उसके। तो सर ये तो किसको कहे, कौन है सुनने वाला। तो सर इसके ऊपर RBI या फिर प्रधानमंत्री जी ने कोई इस पे एक्शन नहीं लिया अभी तक, या फिर अभी बताया है आप लोगों को कि 12 से ज्यादा बार डेलीगेशन गया है। अब बात PMO की करते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय का ये आदेश है कि आप कौन होते हो जनता को बचाने वाले। जनता मरती है तो मरे, जिसको दिक्कत और समस्या होगी हमारे पास खुद आ जाएगा। आप लोगों को पहले हम कर्जा मुक्ति का सर्टिफिकेट देते थे, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का नंबर लिखा होता था, पीछे से सख्त मना कर दिया गया है कि अब आप एक भी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। तो सर इसके लिए आपने अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे 12 मार्च को PILB लगाई थी, उसके बाद आपने कहा था कि भाई इस पर मतलब जैसे